हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं चंद्रकांत कोटेचा, आपका दोस्त, और आज एक नया एपिसोड आपके लिए लाया हूं। इसमें ना तो कोई राग है, ना बंदिश है, ना गीत है, ठुमरी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा बांसुरी पे थर्ड ऑक्टेव कैसे बजाया जाता है। हम सब जानते हैं कि बांसुरी में हम लोग सब दो सप्तक बजाते हैं, नीचे वाले प से शुरू करके ऊपर वाले प तक, और फिर वहाँ से फिर शुरू करके दूसरे प तक, यानी मंद्र प, मध्य प और तार सप्तक का प बजता है। तो हम तार सप्तक के पंचम के ऊपर भी क्या क्या स्वर बजते हैं, कैसे बजते हैं, उसके लिए कैसे फिंगरिंग यूज होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे दो सप्तक, दो ऑक्टेव फ्लूट पे कैसे बजते हैं, एक बार फिर भी देख लेते हैं। तीन नीचे वाले बंद, ऊपर वाले दो बंद, इस तरह से हम तार सप्तक का पंचम बजाते हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन ये एक नई बात भी बता देता हूं, इस तरह से भी पंचम बजता है, तार सप्तक का पंचम। ये दो फिंगर बंद रखने से भी तार सप्तक का पंचम बजता है। देखिए, ये सब बंद करके बजाया, अब दो, सिर्फ दो फिंगर बंद करके भी तार सप्तक का पंचम बजाया जा सकता है। ये पॉ, ठीक है, अभी ध कैसे बजता है देखिए। ये ऊपर की दो बंद, नीचे की एक बंद, बीच वाली तीन खुली रहेगी, ये ध बजेगा, तार सप्तक का ध। सिर्फ ऊपर का बीच वाला ये आधा खुला रखना है, ये आधा खुला रखना है, और बाकी सारे बंद करना है, और जोर से फूंक लगानी है। नी नी, देखिए ये तीन नीचे वाले बंद, ये ऊपर वाले तीन में आधा ये खुला है, ये बजा नी। अब इसके ऊपर वाला सा, तो ये सिर्फ ऊपर वाले फर्स्ट एंड थर्ड होल को बंद करना है,
तो ये सा बजेगा, देखिए ये सा। नी थर्ड ऑक्टेव का बज रहा है नीसा। अब रे, रे भी बजता है, देखिए अभी नीचे का हॉल खुला रखिए, ऊपर का हॉल खुला रखिए, बीच वाले चार को चार बंद कर दीजिए, जोर से फूंक लगाइए रे। ये पहले हमने सा बजाया था, ये सा, फिर ये रे, सा सा रे। ये होगा सा। देखिए पहली और तीसरी दो होल बंद है, बीच वाली खुली है ये, और नीचे की तीन खुली है, ये सा। अब रे में ये नीचे वाली खोल देनी, ऊपर वाली खोल देनी, बीच वाली चार बंद कर दी है, तो रे। देखिए सारे सारे सारे, ये सा ये सा ये रे, सा रे सा रे। अब फिर से देखते हैं ये प, प में ऊपर का होल खुला रखना है, बाकी सारी बंद करनी है। ये प ट्रेडिशनल प जो हम लोग सब जानते हैं और बजाते हैं, तीव्र मध्यम तीव्र सप्तक का प। अब ये प दूसरी तरह से भी बजता है, ये खोलने तीन नीचे वाली तीन खोल के, सिर्फ ये ऊपर की खोल के, सिर्फ ये दो होल बंद करके हम प बजा सकते हैं। तो ये प हुआ, ये भी प, ये भी प, ये भी प, ये भी प, प प प प। अब ध, ये ध, ऊपर की दो बंद, नीचे की एक बंद, ये ध। अब नी, ये नी, ये नी। अब ये सा, ये हुआ सा। अब रे, ये रे, देखिए सब स्वर एक साथ, प कोमल स्वर भी बजते हैं ऊपर के तार सप्तक के, अति तार सप्तक के कोमल स्वर। देखिए कैसे, तो पहले ध की बात करते हैं, कोमल ध। तो जैसे हम कोमल रे बजाते हैं, ये तीन ऊपर वाले बंद है, ये सिर्फ आधा खुला है, नीचे ये वाला आधा खुला है, और एक होल नीचे वाला बंद करना है। ये देखिए पाद्र, ये अति तार सप्तक का कोमल ध।
अभी अभी तार सप्तक का कोमल नी, ये इसमें ऊपर वाले दो होल बंद रखने हैं और नीचे का एक होल बंद रखना है, ये ऊपर वाला होल हाफ खोलना है और जोर से फूक लगानी है। ये हुआ कोमल नी। ये जो ध है, ये हमारा ध है, इसको आधा खोल दीजिए तो ये नी हो जाएगा, ध नी, ध नी, तीन अति तार सप्तक का ध नी। अब कोमल रे, सिर्फ एक होल बंद करिए, ऊपर से तीसरा ये होल बंद करने से कोमल रे। सारे ये कोमल रे बजता। अब लगे हाथ बात कर लेते हैं तीव्र म की। वैसे हम जानते हैं कि तीव्र म सारे होल खोलने से तीव्र म बजता है, ये तीव्र म है, ये तीव्र म है, लेकिन ये चार बंद करके ये आधा खोल दीजिए तो भी तीव्र म बजेगा। देखिए तीव्र म, ये भी तीव्र म, ये भी तीव्र म, और शुद्ध म, ये चार होल बंद कर देने से म बजता है। ये म, 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 आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये बजाने से, ये चार होल बंद करने से रे भी बजता है, अति तीव्र का रे, एकदम जोर से फूक लगाने से रे भी बजेगा, कम फूक लगाने से म भी बजेगा, ये एक ही जगह पे देख लीजिए, ये सा म रे तीनों बजाता हूं, देखिए सा म रे। और अभी कुछ लोग मुझे मंद्र सप्तक का भी पूछते हैं कि मंद्र सप्तक का म कैसे बजता है, तो देखिए ये सातवां जो होल है इसी के लिए है, ये होल बंद कर, छः के छः बंद है, ये सातवां होल भी बंद कर देने से मंद्र सप्तक का तीव्र म बजेगा। देखिए छे और सातवां होल भी बंद कर देने से मंद्र सप्तक का म बजेगा तीव्र म। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं कि शुद्ध म कैसे बजता है, तो मंद्र सप्तक का शुद्ध म बजाने के लिए सात के सात होल बंद कर दीजिए और फ्लूट को थोड़ा अंदर की साइड ऐसे घुमाइए आपकी ओर, तो ये सातों स्वर बंद करने से तीव्र म बजेगा और फ्लूट को अंदर की ओर घुमाने से शुद्ध म बजेगा। ये तीव्र म, अब फ्लूट को घुमाइए, ये शुद्ध म। तो इस तरह से मंद्र सप्तक के शुद्ध म और तीव्र म भी बजते हैं और तार सप्तक में सारे ग म प द नी सा और ऊपर का रे भी बजता है। देखिए कैसे सा, ये ऊपर का सा है,
सारे ग म प ध नि सा रे, यहां तक बजता है। फिर से ये नीचे का सा, ये ऊपर का सा, तो अति ताल सप्तक के रे तक भी हम रूप में जा सकते हैं। इसका ज्यादा अभ्यास करने से हम इसको बंदिश में या तान में गाने में भी कभी कभी यूज कर सकते हैं। इसका कभी कभी नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ये रूटीन में नहीं आता है, ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा बजता है, तो टेढ़ा बजाने में थोड़ा सोच समझ की जरूरत पड़ती है। तो इसकी आप अगर एक हफ्ता तक भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो तार सप्तक के सारे ग म प प ध नि सा रे आराम से बजा पाएंगे, और ध नि रे कोमल भी बजा पाएंगे, और तीव्र मध्यम और मंद्र सप्तक का तीव्र और शुद्ध मध्यम भी बजा पाएंगे। तो कुल मिला के साढ़े तीन तीसरा सप्तक भी हम आधे से ज़्यादा इसमें बजा सकते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, हुक का ब्लो जो है ज़रा ज़ोर से लगाना पड़ेगा, अगर ज़ोर से नहीं लगा तो गलत स्वर या नीचे के सप्तक का स्वर बन सकता है, ये ज़रा आप देख लीजिएगा। तो ये बहुत ही आवश्यक इन्फॉर्मेशन थी फ्लूट बजाने वालों के लिए, बहुत कम लोग ये जानते होंगे, बहुत कम लोगों ने ये बताया है, तो मैंने ये आपको डिटेल में बताया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, आपको इस तरह के ट्यूटोरियल के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।